गाइस बारिश का जो मौसम बाहर चल रहा है ना, अमेजिंग हो रहा है, बिल्कुल माहौल बन गया था। तो बेटे की फरमाइश थी, मम्मा कुछ पकौड़ी वगैरह बनाओगी? वैसे मैं इनकी दीदी सुनता नहीं, पर मैंने सुन ली। मैंने कहा बिल्कुल बनाएंगे। अभी टाइम हो रहा है गाइस लगभग 5 और मौसम ऐसा हो रहा है इतना ज़बरदस्त। गाइस इन लोगों से भी हाय हेलो कर लो, फिर ये लोग बोलेंगे हमें तो हाय भी नहीं बुलवाई। करो हाय पहले आप या जल्दी जल्दी बेटू, पहले करेंगे जल्दी बेटू जल्दी। ये तो आपके लिए बनाया मम्मा ने, आपके लिए बनाया मम्मा ने। चलो तुम भी करो हाय हाय। अब गाइस आज हो रही है बारिश, तो ये भी जा नहीं रहे पेशेंट देखने। दोनों की फरमाइश पे बनाए हैं मैंने पकोड़े आज, पालक के और आलू के। ये किसी दिन मैं रेसिपी के तौर पे मैं एक दिन इसका व्लॉग शूट करूंगी। तो गाइस चाय और पकोड़ों का मजा लेते हैं और आप लोग थोड़ी बातें करते हैं। आप लोग बताइए आप लोग के हालचाल कैसे, क्योंकि मुझे पता है आप लोग अच्छे ही होंगे, क्योंकि अगर आप लोग मेरे दोस्त हैं मैं अच्छा तो आप लोग अच्छे। बाहर मौसम देखो क्या जबरदस्त हो रहा है, अमेजिंग हो रहा है। चाय ठंडी हो जाएगी, अभी तो हल्की हल्की रिमझिम रिमझिम हो रही है, बहुत तेज हो रही थी इससे पहले, अभी हल्की रिमझिम रिमझिम सी हो गई है, हल्की कम हुई है मतलब, पर बादल इतने काले काले हैं ना कि वो किसी भी वक्त बहुत तेज हो सकती है। मैंने बेटे के लिए पालक के पकौड़े बनाए, बिल्कुल देखिए जिंदा पालक मैंने ऐसे करके उसमें डाला है। मेरी मतलब मेरा कहने का मतलब सजा पालक डाला है, उसको ऐसे पसंद है। और गाइस बहुत अच्छे वाले गाइस, आज बेटू आपको एक क्या कहते हैं कुछ सॉन्ग सुनाएंगे, बोल रहे वो थे खुद बोल रहा है, वो खुद बोल रहा है सॉन्ग सुनाओगे? गुड सुनाओ सुनाओ। सब ने किरानी को बताएगी तो तेरे हुक्म किरानी को बताएगी तो चलिए चलिए पप पटोला नखरा से सत पट्टी आई जय जनवरी ब्लैक मन मवाब गे मैं को पक्का पक्के पप पटोला नखरा से सत पट्टी आई जय जनवरी ब्लैक क्लैप क्लैप क्लैप। पर आपने जोर से नहीं गाया, थोड़ा और जोर से गाना था। अरे गया नहीं हो गया सो गाइस इन्हें गाने का बहुत शौक है, पूरा दिन मेरे सपनों की रानी गाया करती हैं। गाइस कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जिनका ग्राउंड फ्लोर पे घर होता है वो लोग फिर बारिश का मजा शायद नहीं ले पाएंगे ना। बैलकनी से अलग व्यू आता है और ग्राउंड फ्लोर पे रहने से अलग व्यू आता है। गाइस कप देखिए मेरे, मुझे सिर्फ कप लेने का इतना शौक है। मैं जब भी करेक्ट, मैं जब भी किसी एग्जीबिशन जाता हूँ ऐसे कप जरूर लाता हूँ, चाहे उसमें मेरे पास काफी टाइप के इस तरह के काफी सेट हो गए हैं, किसी में ये है किसी में नहीं है, किसी में यहाँ डिजाइन है। मम्मा एक दिन कैमरे पे बनाएंगी, चलो बना तो सकते हैं, आ भी सकते थे लेकिन लाइटिंग इशू हो जाता है। वाह इतना टाइम पराठा बना। और गाइस सुनिए ये जो पकौड़े हैं मैं अपने बेटे के हिसाब से बनाती हूँ, तो इसमें 4-5 ग्रेन्स डालती हूँ मैं, जिससे क्या ये हेल्दी का हेल्दी रहे और टेस्टी का टेस्टी रहे। जैसे कि मैंने इसमें रागी डाला है, सम सूजी डाला है इसमें मैंने, बेसन डाला है, थोड़ा सा इसमें लगभग 1 मुट्ठी मैदा डाला है मैंने। मैदा वैसे बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है, वो आप हटा सकते हैं, लेकिन ये 3-4 चीजें और थोड़ा सा चाहे तो आटा भी डाल दें। बच्चों के लिए क्या, मैदा तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। करेक्ट, ये मुझे कुछ खाने नहीं देते, इसमें ये होता वो होता पता नहीं। अब पकौड़े से कैसे खा रहे हैं? तो पकौड़े में तो रागी पड़ा है ना। वैसे गाइस एक बात है, ये मैंने बहुत हेल्दी वे से बनाए हैं, इसमें आलू और पालक भी है और दूसरी चीज बाकी जो जितना भी सामान डाला है इसमें, इंग्रेडिएंट जितने भी डाले मैंने वो सब अच्छे ही है, सिर्फ एक मैदा आप हटा सकते हैं बस, बाकी सब बेस्ट है। बाहर का जो व्यू है ना वो इतना हल्का, भी बारिश थोड़ी हल्की हुई है तो हल्की ड्रिजलिंग सा हो रहा है। गाइस जो मैंने अभी आपको एक बारिश का वो दिखाया था ना, वो दरअसल मेरे विंडो का व्यू था। अब मैं आपको अपने कॉरिडोर से भी दिखाती हूँ व्यू, उधर भी बहुत सारे नारियल पेड़ खड़े हुए हैं, मजा आ जाएगा आप लोग को। नारियल पीके हम सब स्टॉप है गाइस, उस पे इतने नारियल लगे देख के मन। ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, बोलो बेटे।
नारियल पी के सब स्ट्रॉन्ग रहेंगे पूरा दिन। हाँ गाइस, मैंने बेड ऑर्डर किया था अपने लिए अभी करीब पिछले हफ्ते, वो अभी तक बना नहीं। कल आया हो? कल डेली अब ऑर्डर हो गया, कल या परसों तो आ जाएगा, मतलब बन के पूरा आ जाएगा, रेडी हो कल हो जाएगा। क्योंकि मैंने तो ऑर्डर देके बनवाया था मुझे, क्योंकि जमा नहीं था डिजाइन, तो मैंने अपने मन से सेलेक्ट करके बनवाया। मेरा तो हो गया गाइस, यही दोनों रहेंगे, मेरा तो बहुत खाली है। हम भी थोड़े से ही खाएंगे गाइस, बेटे जल्दी खा लो, इसे बहुत पसंद आ रहे हैं। करके अपनी सेलिब्रेटिंग करो और खाओ पियो सब करो गाइस। ये है तो 5 साल के, 5 साल सब मंथ्स के, पर इसकी जो बातें हैं ना वो और बड़े बड़ों जैसी हैं। तो मुझे कभी कभी यही लगता है यार, मेरे बच्चे में बचपना ही नहीं है, और लोगों के बच्चे इससे मुश्किल से 2-3 महीने छोटे हैं, और वो आज तक तुतला रहे हैं। वो जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि बड़ा क्यूट सा लगता है, और ये तुतलाना तो दूर की बात है, ये तो इनकी तो बातें ऐसी जैसे ये 12-13 साल के हों। क्यूट तो ये भी लगता है ना? अरे क्यूट तो है, लेकिन बातें तो नहीं है बच्चों वाली इसकी। गाइस बारिश इसमें नज़र क्यों नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या चक्कर है? दो गई मतलब समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं बारिश दिख रही है, कैमरे में नहीं दिख रही और हो रही है जबकि बारिश दिख नहीं रही। देखिए सामने वाले पे कितने सारे नारियल लगे हैं। मेरे हस्बैंड को नारियल इतने पसंद हैं, खासकर से उन्हें खुद के तोड़े हुए नारियल खाने का उनका बड़ा मन है, पर वही है कि कहाँ से तोड़ें कहाँ से नहीं तोड़ें, इसलिए बाहर से खरीद के ला के ही खाने पीने पड़ते हैं। नहीं तो उनको बड़ा मन करता है ऐसे कोई नारियल का पेड़ मिल जाए। ओ गॉड यार, ये तो मैंने देखा ही नहीं था। गाइस देखिए वहाँ पे आम लटक रहे हैं छोटे छोटे, वो दिस इज आम का पेड़, मैंने तो आज तक देखा ही नहीं ये चीज। सामने ये प्लॉट प्लॉट खाली पड़े हुए हैं। बेटे देखो मैंगोज लगे, देखो छोटे 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 छोटे, इसको बोलते हैं रॉ मैंगोज, यानी कच्ची कैरी। गाइस वैसे बारिश बहुत तेज हो रही है लेकिन कैमरे में नहीं नजर आ रही है। खा लूं चबा चबा के। पीछे गाइस वो प्लॉट्स वगैरह पड़े हुए हैं, इसीलिए थोड़ा कूड़ा वूड़ा पड़ा हुआ है। गाइस बारिश तो हो रही है बहुत तेज, बट कैमरे में आ नहीं रहा है। फोन नीचे गिरेगा तो सीधा जाएगा पानी के अंदर। चलिए गाइस अंदर चलते हैं, यहाँ तो फिर हमारे फोन पे पानी भी आ रहा है। चलिए गाइस थोड़ा चलते हैं अंदर। तो गाइस आज का जो हमारा दिन रहा है वो काफी ठीक रहा है वैसे तो। मैंने आपको अभी बारिश दिखाई थी, कैसी लगी जरा बताना मुझे। पकौड़े वकौड़े सब खा लिए हैं, और मेरे को दरअसल बाहर जाके व्लॉग शूट करने में बहुत इंटरेस्ट आता है। बेटे आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, तो मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है ना ये थोड़ा बैंगलोर का वेदर थोड़ा चेंज हो जाए तो मैं बाहर जाके व्लॉग शूट करके आऊँ। और मैं इनफैक्ट सोच भी रहा हूँ कि मैसूर या फिर तिरुपति वगैरह का मैं सोच रहा हूँ प्लान बनाऊँ। बस वही अभी मम्मी डैडी नहीं आए हैं क्योंकि वो लोग शादी अटेंड करने गए थे, दोबारा से गए थे अभी थोड़े दिनों पहले ही, तो वो लोग अभी आए नहीं लौट के। तो मैं सोच रहा हूँ वो लोग लौट के आ जाएं, पहले केवल मैं मिनी और ये जाए ना तिरुपति तो अच्छा नहीं लगता है। मैं वेट कर रहा हूँ उन लोग के आने का, क्योंकि यहाँ भाई भाई तो है नहीं मेरा, तो फिर क्या करना। तो फिर हम तीनों तो जाएंगे नहीं अकेले, वहाँ तिरुपति अकेले जाके क्या करेंगे। तो कम से कम मम्मी डैडी को भी ले चलेंगे, तो वेट कर रहे हैं उनके आने का, फिर देखो किस दिन प्लान बनाते हैं, फिर आप लोगों को भी ले चलते तिरुपति। क्योंकि अगर आप लोग गए होंगे, जो लोग गए हैं उनका तो कोई बात नहीं, जो नहीं गए उनको हम बैठे बैठे वहीं से दर्शन करवा देंगे। और गाइस मेरे को ना बातें करना इतना पसंद है, आप लोग में से मुझे कोई कमेंट करके बताओ अगर आप लोगों को मेरी बातें पसंद है तो आप मेरे को बताओ, तो मैं अपनी बातों पे भी बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ। किससे बहुत सारे हैं मेरे पास बातें करने के लिए, क्योंकि मैं देखती हूँ और भी ब्लॉगर जो होती है वो बातें बहुत करती हैं, तो लोग बड़ा इंटरेस्ट से देखते हैं उन लोगों की वीडियोस। तो मुझे समझ में नहीं आता कि बातों में क्या इंटरेस्ट है, और मैंने कहा यहाँ तो इतने बातों नहीं एक नंबर के हैं, तो मैं इसलिए मैंने कहा कि आप, मैं पूछता हूँ कि मेरे किसी भी सब्सक्राइबर को अगर मेरी बातें सुननी हो तो मुझे बताना कमेंट करके, मैं नेक्स्ट वीडियो बना डालूंगा उस पर। और मैं सोचता हूँ कभी कभी मैं डेली वीडियोस डालूं, वैसे तो मैं भी ऑल्टरनेट डेज डालता ही हूँ, पर मैं सोचता हूँ कभी कभी मैं डेली डालूं वीडियोस। और चलिए कोई बात नहीं बेटू, ट्राई करेंगे डेली वीडियोस बनाने के लिए। तो गाइस मैंने अभी आपको बारिश दिखाई थी, कैसी लगी मेरे को बताना ज़रा, उस पर जो आपने आम देखे थे कैसे लग रहे थे? अभी हल्का मौसम थोड़ा सही हो गया, मतलब हल्का बादल खुल गया, तो उनकी डैडी कह रहे हैं कि अब मेरे को जाना चाहिए पेशेंट देखने के लिए। और बाकी मैसूर का भी मैं सोच रहा हूँ, बट अभी गर्मी बहुत पड़ रही है बैंगलोर में, तो मैसूर जैसी जगह पर तो जाने का भी मेरे को नहीं समझ में आ रहा उतना। पर मैं वेट कर रहा हूँ कि जैसे ही थोड़ी सी धूप धूप कम हो बैंगलोर में तो बाहर जाएँ हम लोग घूमने के लिए। हालाँकि मेरे को अभी तक मैंने
बाहर काफी सारे मैंने वीडियोस बाहर शूट करे हैं। ये समझ लीजिए इतनी कड़ाके की धूप पड़ रही होती है, लेकिन वहाँ पे इतना एडवेंचर होता है, मतलब इतना एडवेंचरस माहौल होता है कि मेरे को वो धूप धाप कुछ फील नहीं होती है, मिनी की तबीयत खराब हो जाती है और ये बराबर चलते हैं मेरे साथ। तो गाइज मैं कभी कभी सोचती हूँ ये चीज़ कि मैं इस तरह के किसी उस पर ब्लॉग बनाऊँ जहाँ पे मैं अपना मॉर्निंग टू इवनिंग का एक ब्लॉग शूट करके देखूँ, अगर अच्छा जाएगा तो मैं बनाऊँगा फिर। और अगर आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, मेरी बातें पसंद आई हो, तो ये देना मत भूलिएगा। और ये जो मैंने पकोड़े बनाए थे इस पर मैं एक अच्छी खासी एक रेसिपी मैं इसको बना दूंगा, क्योंकि मैं कभी भी पकोड़े ऐसे नहीं बनाती हूँ। क्योंकि अगर एक तो तुम पहले अनहेल्दी फूड खा रहे हो, तो कम से कम अगर तुम हफ्ते दो हफ्ते में एक बार खा रहे हो, तो कम से कम उसको एटलीस्ट ऐसा तो बनाओ कि उसको तुम खाओ तो तुमको ये तो फील आए कि हाँ इसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट ऐसे भी पड़े हुए हैं कि हेल्दी हैं काफ़ी। तो मैं अपने बेटे के लिए बनाती हूँ, तो ज़्यादातर इनफैक्ट मैं रागी आइटम बनाया करती हूँ इसके लिए, इसको रागी के लड्डू बहुत पसंद है। मैंने एक दिन इसके लिए रागी का खाकरा भी बनाया था, वो इसको कैसा लगा था इसी से पूछ लो, कैसा लगा था बेटे? बहुत अच्छा, क्रिस्पी और टेस्टी है। क्रिस्पी तो खैर बनेगा बेटे, खाकरा क्रिस्पी होता है। तो गाइस मैं ये सब चीज़ें आपको कैमरे पे एक दिन बना के बताऊंगा एक रेसिपी के तौर पे। अभी फिलहाल तो हम मौसम का मज़ा ले रहे हैं, आप भी लीजिए और फिर कर चलते हैं कितने तिरुपति। वैसे तो मैं अपने इन लॉज को भी ले जाना चाहता था, लेकिन अभी इन लॉज का मेरे जो आगरा में मेरा नया घर बन रहा है, तो इन लॉज अभी आ नहीं सकते क्योंकि अभी काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। जिसका घर रेडी हो रहा होता है, तो मतलब जिसका नया घर बन रहा होता है तो उसको जिम्मेदारियाँ भी काफ़ी होती हैं, तो फिर इसलिए वो छुड़वा के यहाँ आए एकदम से, फिर वहाँ कोई देखने वाला नहीं रहेगा। इसीलिए मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, जब कंप्लीट हो जाए घर तब आ जाना, क्योंकि मम्मी पापा तो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, तो उनके लिए तो स्पेशली उनको तो लेके जाना ही जाना है। चलिए गाइस फिर हम लोग आपसे मिलते हैं अब किसी और दिन किसी और व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। अच्छा एक्सपर्ट हो गए हो। तब तक के लिए गाइस हमको इजाज़त दे दीजिए, सायोनारा।